हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी और आप लोग भी काफ़ी शानदार तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 14 जून 2021 और हम आगे आने वाले कुछ ही समय में आज की सारी करेंट अफेयर्स से आप लोगों को रूबरू करवा देंगे डिटेल्स के साथ, और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक्स्ट्रा मसाला का एक्स्ट्रा पैकेज। ओके दोस्तों, बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि यदि हम थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आप भी कुछ हमारी हेल्प कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, तो यदि आप में से कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक और उम्मीद मैं आपसे करता हूँगा कि आप लोगों ने ज़रूर आज की वीडियोज़ को देखा होगा, सुर्खियाँ वाली। ओके, तो सुर्खियाँ वाली वीडियोज आप लोग देख लिया कीजिए ताकि जिनके पास कम समय है वो लोग सुर्खियां से भी अपना काम चला सकें। ओके, इसलिए ऐसा करने का निर्णय लिया गया है। बाकी डिटेल में तो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या होगा। इंटरनेशनल न्यूज होगा, नेशनल न्यूज होगा, अपॉइंटमेंट होगा, इंपॉर्टेंट डेज, फिर ऑबिचुअरी के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अवार्ड्स एंड ऑनर्स के साथ साथ आपका मैप ऑफ द डे चलेगा आज। ओके, और मैप ऑफ द डे में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे दोस्तों? जैसा कि आप लोगों को पता हो, हम लोग साउथ अमेरिका की सैर पर गए थे। तो आइए आज हम लोग साउथ अमेरिका की कुछ देशों के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मैप ऑफ द डे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग साउथ अमेरिका की कुछ उत्तरी देशों को देख लेते हैं जिसके बारे में आज हमें जानना है। तो आज हमें 3 गुआना के बारे में जानना है। ओके, पहले उसका वास्तविक नाम जानिए। एक फ्रेंच गुएना है, एक सूरीनेम है और एक सिर्फ गुएना है। ओके, फ्रेंच गुएना नाम से ही पता चलता है कि इस पर फ्रांस का कब्जा है। ओके, सूरीनाम को बोलते हैं डच गुआना। ओके, डच लोगों का कब्जा, नीदरलैंड वालों का। और फिर गुआना को बोलते हैं ब्रिटिश गुआना। ठीक है, ब्रिटिश गुआना मतलब कि ब्रिटिश का कब्जा इस पर है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा फ्रेंच गुएना, डच गुएना और ब्रिटिश गुएना है। ऐसे फ्रेंच गुएना, सूरीनाम और गुएना। ओके, ये तीनों बातें हो गई। फ्रेंच गुएना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कौरू नाम का अंतरिक्ष केंद्र दिखता होगा जिससे कभी कभी भारत का विदेशी उपग्रह जब छोड़ा जाता है विदेश से तो यहीं से छोड़ा जाता है, फ्रेंच गुआना स्थित कौरू अंतरिक्ष केंद्र से। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी केन्स है और केन्स का आपको अवार्ड सम्मेलन भी आपको देखने को मिलता होगा फिल्म जगत के क्षेत्र में। चलिए अब हम लोग चलते हैं सूरीनेम के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी पैरामारिबो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और गुएना का राजधानी जॉर्ज टाउन। ठीक है, इतनी सारी बातें बस इसके लिए हो गई और ज़्यादा कुछ नहीं इन तीनों देशों के बारे में। अब जानिए थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में जिसकी राजधानी है कैराकास। ओके, वेनेजुएला के बारे में आप लोग क्या जानिएगा कि यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा भाई? तो एंजल फॉल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो एंजल फॉल्स का लोकेशन वेनेजुएला में भी है। ओके, और वो किस नदी के थ्रू, उसमें मतलब पानी जो आता है किस नदी के थ्रू आता है? तो कैरो नदी। ध्यान रखिएगा एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है जिसमें पानी कैरो नदी से आता है। ओके, फिर हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा कोलंबिया के बारे में जिसकी राजधानी है बोगोटा। ठीक है, तो ये सब उत्तरी देश है। इस उत्तरी देशों में एक फैला हुआ है घास का मैदान, इन उत्तरी देशों में एक घास का मैदान फैला हुआ है जिसका नाम है लानोस। ओके, आपके एग्जाम में पूछ देता है कि लानोस घास का मैदान कहाँ है। ठीक है, तो वेनेजुएला कोलंबिया के रीजन में ये फैला हुआ है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेनेजुएला में एक लेक आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में तो मैं बताना भूल ही गया था, जिसका नाम है मराकाइबो। क्या? मराकाइबो। ध्यान रखिएगा ये जो लेक है इसका नाम मराकाइबो लेक है और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील भी है। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये खनिज तेल उत्पादक झील भी है। ठीक है, तो बस इतनी सारी बातें इन देशों के बारे में। अब हम लोग कल बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। ओके, ब्राज़ील, पेरू, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। ओके, बस इतनी सी बात थी आज मैप ऑफ द डे में। अब आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ओके, और रक्तदान जो है दोस्तों महादान है। ओके, रक्तदान, यदि आप लोग जो भी सक्षम है रक्तदान करने में, ओके, वो लोग रक्तदान किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको नीचे की स्लाइड्स में दिख रहे होंगे जून से मतलब जून में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं उसके बारे में, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं बस एक दो बता देता हूँ जिसमें
5 जून विश्व पर्यावरण दिवस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 12 जून के बारे में आज भी थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा, जो कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस था, ठीक है दोस्तों। तो बस विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है। विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज एडॉप्टेड अ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन टू एंड एड्स बाय द ईयर 2030। तो UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन किया गया है कि भाई 2030 तक हम एड्स को समाप्त कर देंगे पूरी दुनिया से, ओके। अब देखिए, यदि ये सक्षम हो पाता है तो काफ़ी बढ़िया बात है, बाकी 2030 तक क्या होगा ये तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, ठीक है। तो बाकी UNO जो काम किया है काफ़ी बढ़िया काम किया है। जानिए एक्स्ट्रा मसाले में कुछ बातें कि फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, HIV एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके। हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो December 1 को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा प्रश्न कि UNO के द्वारा एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जारी किया गया है कि 2030 तक हम एड्स को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ओके। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया वाई व्हाट परसेंटेज विल इंडिया पॉवर्टी रेट इंक्रीज बाई 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी जो गरीबी की दर है वो 2040 तक 3.5% और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि अभी वर्तमान में 100 आदमी पूरे भारत में रह रहे हैं तो 3.5 आदमी, यदि मान लीजिए कि अभी 5 आदमी गरीब है, ठीक है, तो 2040 आते आते 8.5 आदमी के आसपास गरीब हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? तो जलवायु परिवर्तन के कारण, जो बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके कारण, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ओके, ये रिपोर्ट में ये बताया गया है। चलिए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निर्धनता उन्मूलन को किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में और काफ़ी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न से सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम को, ओके। फिर है कि निर्धनता मापन से संबंधित फॉर्मूला क्या है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे निर्धनता मतलब गरीबी को मापा जाता है? तो लकड़वाला फॉर्मूला, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये सब टर्म इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ओके दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज 2040 तक हमारा जो पॉवर्टी रेट है वो 3.5% और बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किसने दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए कहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ओके। तो पश्चिम बंगाल को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जल्दी से जल्दी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कीजिए। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो भी माइग्रेंट्स वर्कर हैं उन्हें कभी भी दिक्कत ना हो राशन लेने में, जो सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके अंतर्गत। और आपको पता होगा कि मोदी जी कुछ दिन पहले लाइव आए थे और उन्होंने बताया कि दीपावली तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से सभी लोगों को जो उस क्रिटेरिया में आते हैं उन्हें दीपावली तक फ्री में अनाज दिया जाएगा, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि अब तक 32 के आसपास स्टेट्स और यूटी जुड़े हुए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में, पश्चिम बंगाल थोड़ा सा नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि भाई आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए जो भी नहीं जुड़े अभी तक, ओके। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो राजस्थान। यूनटेप के बारे में बहुत बार बातें हो चुकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन कब शुरू किया गया, किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में, ओके। संजीवनी परियोजना, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए, यही था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन को मैंने बता दिया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में पश्चिम बंगाल को जुड़ना है, ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारतीय मूल की पत्रकार का नाम क्या है?
जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेम द इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हु हैज वॉन द पुलित्जर प्राइज इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। ओके, तो मेघा राजगोपालन, इनका नाम क्या है दोस्तों, देख लीजिए, मेघा राजगोपालन जी इनका नाम है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ओके, और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न क्या आपके लिए कहना चाह रहे हैं। प्रश्न है कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में किस पत्रकारिता ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है सार्वजनिक क्षेत्र में। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एशियाई उत्पादक संगठन की ओर से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आर.एस. सौढ़ी को। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, डेविड डियोक को, पुस्तक का नाम एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ओके, नेक्स्ट है कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, तो साजी एनएम केरल वाले। ओके, और एक और छूट गया बीच में कि WHO ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। ओके, तो ये था हमारा प्रश्न। क्या ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन को पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीता है और पत्रकारिता में भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में प्रोफेसर राधामोहन जी का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो वो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है, प्रोफेसर राधामोहन। ओके, ये रहे प्रोफेसर साहब, इनका निधन हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं, ज़्यादा कुछ बात इसमें है नहीं, कि सिंधली गैया का हाल ही में निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे, तो कवि थे। एक और देखते हैं जो प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1980 के दशक के मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री और मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, तो इनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। ओके, भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, तो ये तो चर्चा काफ़ी बार हो गया है, TM कल्याणन गौंडर। ओके दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, विच बैंक हैज टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स 21 इन इंडिया, तो DBS का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक्स, इसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में टॉप स्थान हासिल किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में ये शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा फोटो में, DBS वाज रैंक्ड फर्स्ट आउट ऑफ 30 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक्स इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब पिछले साल भी यही टॉप पर था इंडिया में इंटरनेशनल बैंक की सूची में। ओके, चलते हैं एक्स्ट्रा मसाला की ओर कि टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किन दो भारतीय कंपनियों की जगह दी गई है, तो ये जियो एंड बायजू को दी गई है। ओके, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2021 के सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है, 10th है। ओके, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर ऑकलैंड है। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में आए नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो ये हमारा केरल है। और नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है, 156 देशों के बीच भारत का स्थान क्या है, तो 140 है। ओके, ये था हमारा प्रश्न, अब चलेंगे एक प्रश्न की ओर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाला अपॉइंटमेंट वाला तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स काउंसिल के लिए किन्हें चुना गया है, नागराज अडिगा को, किन्हें, नागराज अडिगा को, इंडियाज नागराज अडिगा इलेक्टेड इन IAU काउंसिल एज एशियन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ध्यान रखिएगा, नागराज अडिगा को अल्ट्रा रनर काउंसिल के लिए इंटर एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा कुछ बातें नहीं इनके बारे में, एक्स्ट्रा मसाला में आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सारे प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। ओके, तो आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि किस देश के अर्थशास्त्री रेवेका ग्रीनस्पैन को अंकटाड का मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है,
विच कंट्रीज इकोनॉमिस्ट रेबेका ग्रीनस्पैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो कोस्टा रिका की ये अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है दोस्तों, और इनको अंकटाड का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए कुछ हेडक्वार्टर के बारे में नीचे दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग जानिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क सिटी USA में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या। ओके नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNPF इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटेलाइट प्रोग्राम इसका भी नैरोबी केन्या में है। ओके फिर है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी USA में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसे कि पिछले साल 2020 का नोबेल दिया गया था शांति का, ये रोम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आपको बताना है कि अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ओके। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी रोम में है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप लोग अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि है कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया, इस वर्ष का थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड ऑन 12th June? तो एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, मतलब अब चाइल्ड लेबर को खत्म किया जाए, इसके लिए अब प्रयास किए जाए, मतलब ओके सिर्फ सोचा नहीं जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, इस साल जो 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया उसकी थीम थी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका जवाब दिया था। इसी तरह से आप लोग अपना हौसला बनाए रखें और आप लोग जवाब देते रहिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर अभी मैंने ऊपर भी बताया था एक्स्ट्रा मसाला में कि ऑकलैंड इसका सही उत्तर होगा। फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और ये प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ कि हाल ही में बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता, वो किस देश से संबंधित है? ओके अमेरिका, स्पेन, चेक गणराज्य और सर्बिया। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। ओके दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं। ओके दोस्तों मिलता हूँ अगले दिन, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।